वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, देयर मैसेज फॉर यू। लेकिन हम उससे पहले डिवाइन मैसेज लेंगे, डिवाइन गाइडेंस लेंगे, आपको अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, चलें देखते हैं। सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं या जिस भी सिचुएशन में प्रॉब्लम में हैं, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरफ से जनरल गाइडेंस होगी, देखते हैं आपको किस तरफ मूव करना चाहिए। आप लोगों को, अगर मेरा एक और चैनल है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट मिलेगा और जो डी बेस साइड रीडिंग्स मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके, उसको न्यू चैनल है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, आप जिस भी सिचुएशन के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, आप उस सिचुएशन के बारे में सोचें। ठीक है, मेडिटेट करें, फिर मैं देखती हूँ आपको उस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। मेरी व्यूवर के लिए गाइडेंस डिवाइन, आप जहाँ भी स्टक हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में फील हो रही है, आपको वहाँ पर किस तरीके का मूव लेना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, आपको वहाँ क्या करना चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, आप अपना, अगर आप मैस्कुलाइन हैं तो एक, मतलब कि मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने अंदर एक बैलेंस कायम करें। ठीक है, एक बैलेंस लेकर आए, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। ठीक है, एक बैलेंस रखने की कोशिश करें अपने सेल्फ को, आपको ये चीज़ सपोर्ट करेगी, आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, ओके, स्टॉपिंग इल्यूजन, आप किसी इल्यूजन में स्टक हैं, किसी तरीके का इल्यूजन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। शायद आप किसी को लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं और वो आपका इल्यूजन है, वो आपको ऐसा नहीं, आपको ना ऐसा देखता है ना ऐसा सोचता है, और शायद आप किसी को बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत आपके माइंड में उसकी राय या आपके माइंड में उसकी सोच बहुत गलत बन चुकी है, तो स्टेपिंग इल्यूजन, इल्यूजन से स्टेप आउट करें। ठीक है, निकलें उस भरम से, उस नेगेटिविटी से बाहर आए। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी, यहाँ पर आपकी तरफ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, या शॉर्ट कनेक्शन या टाइम पास लोग, या जो बहुत आपके साथ ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग, आपकी तरफ एक सेक्सुअल एनर्जी से बेस्ड लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिनके अंदर इमोशनली कुछ नहीं होगा, आप एक इमोशनल पर्सन हैं। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इमोशनल बॉन्ड चाहेंगे, लेकिन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी ब्यूटी को लेकर होते हैं, वो आपके फाइनेंस या वो आपकी स्टेबिलिटी, वो आपके ग्रोथ को लेकर होते हैं, वो आपके मतलब कि आप किस तरीके से दिख रहे हैं, आपका आपका आउटलुक कैसा है, आप कैसा वेयर करते हैं, आप कैसा पहनते हैं, वो सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ज़्यादातर लोग आपकी अंदर एक इनर ब्यूटी नहीं, आउटर ब्यूटी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करें। सेक्सुअल एनर्जी लोग, बहुत से लोग ऐसे आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं जो आपके साथ इस तरीके का रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो फिर बी अवेयर। ठीक है, ओके, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, आप अबंडेंस की लाइन में काम कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव वर्क में काम कर सकते हैं, किसी ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी तो बहुत टाइम से ग्रोथ स्टॉप हो गई थी या ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो ग्रोथ के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। बर्डन, स्ट्रेस नहीं फील करें, अपनी लाइफ को बिजी कर लें, क्रिएटिव वर्क में बिजी कर लें, काम में बिजी कर लें, कोई रिलेशनशिप है स्टक कर रहा है, जो कोई रिलेशनशिप है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई एक्स वाई जेड, कोई घर की पर्सनल प्रॉब्लम है जो आपको स्टक और प्रॉब्लम दे रही है, तो स्ट्रेस मत फील करें, इस स्ट्रेस को रिलीज करें, इस स्ट्रेस को अपने अंदर मत रखें। ठीक है, होम, बिल्कुल ऐसा हो सकता है घर से रिलेटेड कुछ हो, शायद स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मैरिज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही, मैरिज का सोच रहे हैं, मैरिज प्रपोजल का सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, इस तरीके के बर्डन को रिलीज करें। मेरे व्यूअर को आप करना क्या चाहिए यहाँ पे, इनर जर्नी। ठीक है, आपको अपनी इनर जर्नी पे वर्क करना चाहिए, आपका इनर सेल्फ, आपका एक मी टाइम और आइसोलेशन आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, आपको आइसोलेशन एनर्जी पे जाना चाहिए, आइसोलेशन, डिवाइन टाइमिंग, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसमें डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है,
रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है, आपके किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को हल करने में। अब ये फीमेल के प्रॉब्लम फीमेल के जैसे होंगे, मेल्स की प्रॉब्लम मेल्स के जैसे होंगे, ठीक है, जो वर्कहोलिक है उसके वर्क के जैसे होंगे। तो एक डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है यहाँ पे। मैरिज के लिए आप अगर वरिड है, परेशान है, डिस्टर्ब है, मैरिज कब होगी, तो ये सब ईजी है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, कोई इतना इशू नहीं है, ये सब पॉसिबल है और ये बहुत जल्द होगा, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। स्लो बट स्टडी, ठीक है, स्लो और स्टडी, स्लो हो रहा है डिवाइन जानते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली ही आपकी ग्रोथ होनी है, ठीक है, स्लोली स्लोली आपकी लाइफ अपग्रेड होनी है, ठीक है, अलाइनमेंट में आनी है, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, आपके अंदर स्पार्क खत्म हो चुका है लाइफ को लेकर, एक्साइटमेंट, पीस और एक इंजॉयमेंट। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप एक स्पार्क खो चुके हैं, आप मूवमेंट इन टू बैलेंस, प्लीज अपने आप को बैलेंस में लेकर आए। डिवाइन ने चीजें स्लो फेस पे इसलिए कर दी है क्योंकि आप खुद को बैलेंस में लेकर आए। आप बैलेंस नहीं रहे, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, डेथ एंड रीबर्थ, आपका किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सिचुएशन में, ठीक है। या तो आप बहुत इमोशनल रहे हैं या तो बहुत ज्यादा केयरिंग रहे हैं, आपके अंदर एक बैलेंस नहीं रहा। आपने अनकंडीशनली फैमिली को, लोगों को जिससे प्यार किया उसको अनकंडीशनल प्रोवाइड किया, आपको रिटर्न नहीं मिला, आप अंदर से खाली हो गए, इसलिए आपका एक स्पार्क, आपका इमोशन, एक इमोशनल हीलिंग की नीड है आपको, ठीक है। एक स्पार्क खत्म हो चुका है, वो कौन कर सकता है, आप खुद को कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को करते हैं लेकिन आप अपने आप को भी कर सकते हैं। आपने लोगों को पैम्परिंग, लव करना, केयर करना, अंडरस्टैंड करना, ये आप खुद को करें, अपने सेल्फ को वैल्यू करें, अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करें, आपका सेल्फ आपसे रिस्पेक्ट चाह रहा है। साइकिक डेवलपमेंट, आपकी एक साइकिक एबिलिटीज जैसे कि डेवलप हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज आपको एक स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें। आपको किसी भी प्रॉब्लम में इश्यूज हैं, आपको नाइटमेयर्स, आपको ख्वाबों के जरिए आंसर्स मिलना या एक नया रास्ता दिखाना या आपको सिंक्रोनिसिटी दिखना, मतलब कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी, अगर आपका कोई माइंड बैठे बैठे कुछ कह रहा है किसी इंसान के बारे में, ट्रू, ठीक है, वो ट्रू है, वो गलत नहीं है। साइकिक एबिलिटीज ऐसे भी वर्क करती हैं, साइकिक डेवलपमेंट्स हमारी, जब हम साइकिक हो जाते हैं तो हमारी इंट्यूशन ऐसे भी वर्क करती है, जैसे हम एक नॉर्मली बैठे हुए और कोई चीज़ हमें क्लिक कर रही है, किसी इंसान के लिए हम एक चीज़ सोच भी नहीं रहे, आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ हमारे माइंड में आ रही है, तो आपका एक स्पिरिचुअल पार्ट है, ठीक है, वो आपको स्पिरिचुअली कुछ गाइडेंस दे रहा है। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक साइकिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपका एक लेवल अप हो रहा है। तो ये आपके लिए थी एडवाइस। अब देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस, आपके पर्सन आपको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, इस वक्त ये पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर को इस वक्त राइट नाउ क्या कहना चाह रहे हैं, फिर चैनल मैसेजेस लेंगे, टैरो से पूछ लें कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे व्यूअर को इस वक्त राइट नाउ क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है। अगर आपके पार्टनर पास्ट में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे तो आपके पर्सन सच जानते हैं, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन कहना चाहता है कि ये पर्सन क्लैरिटी है इसके पास आपको लेकर, पूरी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस इस पर्सन के कुछ ऐसे, इसको होल्ड बैक करना पड़ रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर इसने होल्ड करा हुआ है, ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है और कट थ्रोट हुआ हुआ है। शायद इसने पास में आपके साथ मतलब के एक गलत वर्ड्स यूज करे हैं, या तो इस पर्सन का बिहेवियर बहुत बैड रहा है, तो कोल्ड हुआ हुआ है राइट नाउ, ब्लंट हुआ हुआ है ये पर्सन, ठीक है, कोल्ड एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन के पास, जैसे कि इस पर्सन के माइंड में अगर कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आपको लेकर किसी तरीके की कंफ्यूजन थी या बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, तो आपके पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक्स पास नेक्स्ट कुछ भी रहा है, तो क्लियर कट आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है उनको क्या करना है, कहाँ करना है, कहाँ एक्शन लेना है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि अभी किसी मतलब के किसी रीजन की वजह से खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, ये पर्सन अपनी कंफ्यूजन से बाहर आ चुका है, ठीक है, क्लैरिटी पे आ चुका है, सन की एनर्जी, क्लियर कट क्लैरिटी पता चल चुकी है, हैप्पीनेस कहाँ है, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या चीज़ मेरे लिए मतलब कि क्या चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्या चीज़, कौन कौन सा इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल रहेगा, वो वाली एनर्जी है। ओके,
आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है सृष्टि में, अगर यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्टेबल माइंड सेट है, अगर आप स्टेबल बिगनिंग चाहते हैं, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ना कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है जो इस रिश्ते को स्टॉप करता है, स्टक करता है, ठीक है, फैमिली में से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में जिसने स्टार्टिंग से डाले इस कनेक्शन को लेकर, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई नेगेटिव इंसान है, आप इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं इस रिश्ते की ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाए, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में, डिवाइन टाइमिंग का रूल है, ठीक है, हम जो एडवाइस में देखा आपको अपने इनर इनर सोल जर्नी पे जाना पड़ेगा, शायद आपको इस पर्सन का जो हमने देखा स्ट्रैपिंग डिल्यूजन, आप ये पर्सन आपके साथ बहुत ब्लंट रहता है, शॉर्ट टेम्पर रहता है, अपना राइट सेल्फ आपको मतलब कि दिखा नहीं पा रहा ये पर्सन, ऐसा हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं, तो स्ट्रैपिंग इल्यूजन, ये इल्यूजन है, ये पर्सन जानबूझकर आपको दिखाता है, क्योंकि इसके पास जब तक आपको कुछ देने का नहीं, देने के लिए नहीं होगा, ये कोल्ड ही रहेगा, ये बहुत ब्लंट ही रहेगा, कट थ्रोट ही रहेगा, ठीक है, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर यहाँ पर किसी नेगेटिविटी की वजह से एक स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये पर्सन एक तो फाइनेंशियली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का शिकार हुआ हुआ है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ये पर्सन सक्सेस चाहता है, ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड इशू है ऐसा हो सकता है एक फाइनेंसिस इशू है, या एक फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली यहाँ पर फाइनेंसिस को बहुत वैल्यू देती है, जिस तरीके की अर्निंग या जिस तरीके का कमाएगा या जिस तरीके का ये फैमिली को सपोर्ट करेगा, फैमिली इस पर्सन को पता है फैमिली उस पर्सन को उतना ही सपोर्ट करेगी, ठीक है, कुछ फैमिलीज होती हैं कि हाँ अच्छा अर्न कर रहा है, मतलब कि सब कुछ सेटल कर सकता है, हमारा पूरा कर सकता है, मैरिज करो, ठीक है, मर्जी की कह रहा है, मर्जी की कर दो, और कुछ मेल होते हैं जो मतलब कि उनकी कम अर्निंग होती है और आधी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती है, खासतौर पे जिनकी एक वो फैमिली की तरफ से एक वेल्थ उनकी स्ट्रांग होती है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती है, फैमिली बहुत ज़्यादा उस जगह प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमारी सुनो वरना हटा देंगे, मतलब कि अपनी अब काम कैरियर वगैरह अपना करो, फिर अपने आप को देखो, अपने आप को सेल्फ मेड बनाओ फिर, ठीक है, और अगर ये पर्सन आपका एक खुद एक स्ट्रांग पर्सन है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली का माइंड जानता है, मतलब कि एक अच्छी स्टेबिलिटी, फैमिली को एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा अमाउंट कमा के दिखाओ, फैमिली की जिम्मेदारियां, फैमिली की ख्वाहिशात पूरी करो, फैमिली आपको आपकी मर्जी करने देगी, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड इशू, थर्ड फैक्टर आपके पर्सन जानते हैं कि इजीली आपके पर्सन उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से, मतलब कि कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, कोई आपके पार्टनर की मदर फिगर है, या कोई भी एक्स वाई जी घर का कोई भी अफराद है, ठीक है, कोई भी फर्द है, वो आपके पर्सन को स्टॉप कर रहा, तो आपके पर्सन जानते हैं अगर फाइनेंसिस अच्छे हो गए, कोई यहाँ पर स्टॉप करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है स्टेबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, स्टेबिलिटी की वजह से आपके साथ खुलकर बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये जानता है कि ये पर्सन आपको रिजेक्टेड फील करवा चुका है, या आपको ऑफर बहुत टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आपको गोस्ट कर रहा है सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करने की वजह से, आप जब भी मैरिज या कमिटमेंट की बात आती है एक गोस्टिंग एनर्जी होती है, आपके पर्सन आपको गोस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर कट बताते नहीं यहाँ पर कब बिगनिंग होगी, यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपनी फैमिली आपको या अपने फाइनेंसेस और आपको, मतलब कि दो चीज़ें हैं बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी हैं, आपके पार्टनर को जैसे कि ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देती है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, ये पर्सन कन्फ्यूज है, ऐसा ना हो कि इस पर्सन की कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए यहाँ पर, अगर मतलब कि कोई ना कोई इशू आ जाए, ये पर्सन अपनी एक पहले प्रॉब्लम और इश्यूज को क्लियर कर रहा है, या आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है और इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, मैरिज कमिटमेंट आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, आपके पर्सन को यकीन है एक व्हील इस कनेक्शन के फेवर में टर्न होगा, ठीक है, आपको ये पर्सन एक क्वीन की तरह देख रहा है, स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन इस रिश्ते में जो स्टकनेस है या ब्लॉक जैसे वो खत्म हो रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन आपके रिश्ते में एंड हो रही है, कोई कर्मा बैलेंसिंग थी, ठीक है, इस रिश्ते में यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, व्हील टर्न हो रहा है, जितना भी कर्मा था इस रिश्ते का खत्म हो रहा है और ये रिश्ता एक बैलेंस एनर्जी में आ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन को इस तरीके से देख रहे हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस, पहले वन वर्ड मैसेजेस लेंगे कि आपके पर्सन वन वर्ड मैसेजेस में से आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं? आई वॉन्ट यू, ठीक है, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। डिसरिस्पेक्टफुल, बिल्कुल आपके पर्सन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर है, मैंने आपको कहा डिसरिस्पेक्ट किया इस पर्सन ने आपके साथ, मतलब कि एक रॉन्ग वर्डिंग यूज करना, शॉर्ट टेम्पर रहना इस पर्सन का रहा है, ठीक है। यहाँ पे मनी मैटर, देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पर मनी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके पार्टनर की लाइफ में मनी बहुत स्ट्रांग रोल अदा कर रहा है, एक मैटर करता है। आपके पर्सन को पता है फैमिली को मनाना कैसे है, सिचुएशन को ठीक कैसे करना है। ये पर्सन आपको सुनना चाहता है, वॉन्ट्स टू हेयर टू यू। ओके ओके, बात करना, कम्युनिकेट करना। अब ये पर्सन आपकी क्लैरिटी, अगर आप इसको कुछ कहना चाहते हैं, आप जो जैसे मतलब कि आप बहुत टाइम से किसी तरीके की क्लैरिटी इसको दे रहे थे, मिस यू, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, ये पर्सन एक मिस कर रहा है आपसे, आपको चाहता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में वापस आए, ठीक है। मैंने सब डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, ये पर्सन डिसाइड करना चाह रहा है क्लियरली इसको क्या करना है इस रिश्ते का, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोग के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रही है, आप लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे इस कनेक्शन में, ठीक है, ये रिश्ता आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सफर करा रहा था। ओके, यहाँ पे है डोंट ट्राई ओवर मूव, आपको ऐसा लगता है आप नामुमकिन चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं, ये चीज आपकी लाइफ में बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो अब क्या होगी, ठीक है, आप इस चीज को सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं जो चीज हो ही नहीं सकती। ओके, मैनिफेस्ट, कोई मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है, मैनिफेस्ट करें यहाँ पर। बेस्ट फ्रेंड एडवाइस, आपको किसी बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं किसी बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस को। आपके पर्सन आपको और क्या इस वक्त कहना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में जैसे कि दूरियां होने के बाद चीजें चीजों का जैसे कि कर्मा रहा है, वही बातें कर्मा रहा है, आपके पार्टनर एक्यूरियस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्यूरियस है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है, आप या आपके पर्सन एक्यूरियस हो सकते हैं, यहाँ पर एक्यूरियस साइन किसी का हो सकता है। ओके, तुम्हारी हर याद मेरे पास है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तुम्हारी हर याद मेरे पास है, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपकी हर मेमोरीज मेरे पास है, आप मिले होंगे, कनेक्ट हुए होंगे, पिक्चर्स, ये मतलब के डिवाइन टाइमिंग, भाई आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गली डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रूल है, ठीक है। आप इतना वरिड मत हो, परेशान मत हो, डिवाइन को पता है आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है, गलती मेरी थी, आपके पर्सन किसी तरीके की मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके पार्टनर की मिस्टेक रही है, आपके पर्सन की गलती रही है इस पूरी सिचुएशन में। ओके, आई सी यू इन माई फ्यूचर, ठीक है, आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर में जरूर देख रहे हैं, आपको अपने साथ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, कोई डिसीजन लिया जा चुका है, कुछ हुआ हो चुका है, उसके बाद आपके पर्सन चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है ये पर्सन फैसला नहीं कर सका, तो तुम क्यों फैसला नहीं कर सके, आपको लगता है सारे मैटर में आपके पार्टनर की गलती है, आप अपने पर्सन को ब्लेम देते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन के हाथ में सब कुछ था और आपके पार्टनर ने डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। आपके पार्टनर पूछना चाह रहे हैं क्या तुम मुझे याद करती हो, आपके पर्सन आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी आपकी पास्ट मेमोरीज देखते हैं, आप दोनों की वीडियो जो शेयर हुई हुई है, आज आप जो आपने इस पर्सन को कभी दिया हुआ, ये पर्सन वो देखता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू
ब्रेकअप विद कार्मिक, भाई कर्मा आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ भी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके पर्सन उसके साथ एक ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता था छोड़ जाओगी, आपके पर्सन को लगता था कि आप छोड़ जाएंगे, शायद आपके पर्सन ने आपसे मतलब कि अपने थर्ड पार्टी को हाइड किया, ठीक है, इस वजह से मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से निकाला है तो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं मुझे उस टाइम स्पेस चाहिए था, ठीक है, तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं एक अकेला रह गया हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है, यू आर गुड टू बी ट्रू, आप बहुत अच्छे इंसान है, ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करता है, आप एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम सही थी, आपने कुछ उसको कहा था इस पर्सन को, और इस पर्सन को वो चीज़ अब रियलाइज हो रही है कि आप सही थे, तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इसको लव करते हैं, ठीक है, या अब आप नहीं करते, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, आपके पार्टनर ने आपके बाद थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी, ठीक है, वो कर्मा जो बना है आपकी आपके इस इंसान के लाइफ में आने के बाद बना है, आपके पर्सन ने आपके बाद किसी और को चूज किया है, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ठीक है, ये पर्सन आपको हर जगह देख रहा है, हर जगह मतलब कि आप इसके दिल दिमाग में है, ठीक है, तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली जरूरी थी, बिल्कुल आपके पार्टनर ने आपको रीजंस फैमिली वगैरह के दिए हैं, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, आपके पर्सन के लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रही, मतलब के सिचुएशन में कुछ भी होता रहा आपके पार्टनर अपनी फैमिली का बहाना बनाते रहे, ठीक है, अपनी चीज़ों का बहाना, बल्कि ये असल प्रॉब्लम ये है आपके पर्सन ने कुछ किसी के साथ डिसाइड कर लिया था, कोई गलत डिसीजन ले लिया था, आपके होते हुए इस पर्सन ने आपके ऊपर मतलब के कंपेयर करा किसी और को, ठीक है, आपके पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है, आपके पार्टनर ने आपको किसी और से कंपेयर करा, आपके ऊपर किसी और को चूज करा, ठीक है, आपके पर्सन ने, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कर्मा जुड़ा था, जब आपने इस पर्सन को चेस किया, इस पर्सन की लाइफ में कोई और था, शायद वो खुलासे वो सच्चाइयाँ आपको बहुत लेट डिस्क्लोज हुई, वो बहुत लेट सामने आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, आपके पर्सन जो जहाँ भी हैं वहाँ से फ्री हो चुके हैं, इसको देखते हैं आई एम ट्राइंग विद ब्रेकअप विद कार्मिक या कर्मा कार, अगर यहाँ पर बिल फर्स्ट, ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रही है, अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही है उनको पता होगा, देखते हैं क्या उस इस आपके पर्सन का क्या वो कार्मिक पर्सन के साथ ब्रेकअप हो चुका है, अच्छी क्या आपके पार्टनर क्या कार्मिक के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, कार्मिक किसी भी मतलब कि ये मेल है या फीमेल आपके पर्सन की लाइफ में जो कर्मा रहा है क्या वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल आपके पर्सन का विजडम की वजह से हुआ है साइलेंट, आपके पार्टनर का विजडम साइलेंट और आपके पार्टनर बिल्कुल स्ट्रेस उठा रहे हैं, आपके पर्सन बिल्कुल उस जानते हैं वो जगह आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, आपके पर्सन को स्ट्रेस दे सकती है, वो इंसान आपके पार्टनर से कोई स्टेबिलिटी मैरिज कमिटमेंट, आपके पर्सन पास में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, लेकिन अब आपके पार्टनर क्लियर है कि आपके पर्सन को उस सिचुएशन से बाहर आना है, ठीक है, आपके पार्टनर इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं उठा सकते उस सिचुएशन का और सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एक फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रक हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट हुआ हुआ है, आपके पार्टनर हीलिंग चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, आपके पार्टनर अभी भी बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन जैसे कि उस कनेक्शन से रिलेटेड अभी भी आपको कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि आप हर्ट होंगे, आप डिस्टर्ब हो गए, अगर आपके पर्सन डिफेंसिव एनर्जी पे गए थे तो उस इंसान की वजह से, उस पर्सन की वजह से जो जो पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में आया था, ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर और आपको मैसेज क्या देना चाहेंगे, आपके पर्सन का मैसेज इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको इस वक्त कोई टेक्स्ट मैसेज कुछ भी आपको करना चाहे तो वो क्या करेंगे, बुक है, ठीक है, कुछ आपको मतलब कि स्वीट सा बहुत प्यारा सा कुछ कहना चाहेंगे, किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहेंगे ताकि आप इस चीज को क्लियर कर, क्रॉस रोड, ये रिश्ता क्रॉस रोड पर है, आपके पर्सन जानते हैं अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस रिश्ते की वजह से, लिलीज आपके पर्सन आपको खुश करना चाहेंगे, हैप्पीनेस लाना चाहेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन में गार्डन, ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर सोचता है, लेकिन बहुत राइटर ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर, रिंग बिल्कुल, ये पर्सन आपको आपके साथ मैरिज कमिटमेंट कुछ स्टेबिलिटी सोच रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ट्री और मैन, ये पर्सन आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से बैठकर देख रहा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्लाउडेड एनर्जी है, ये पर्सन चाह रहा है रिमूव करे, ठीक है, अगर वो इंसान मुकम्मल तौर पे आपके पर्सन की लाइफ से गया नहीं है तो मुकम्मल तौर पे उस इंसान का चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।